नमस्कार शाखाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। मैं स्वीटी यादव। और मैं रविंद्र नायक। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रविवार को खपोली के पास एक टेम्पो के गहरे गड्ढे में गिरने से उसमें सवा तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य एक घायल हो गया। घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई। इस दर्दनाक घटना के बाद अस्पताल के क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वरडकर रविवार को भारत में अपने पैतृक गांव पहुंचे। महाराष्ट्र के कोकण स्थित सिंधुदुर्ग जिले के वरड गांव से उनके पिता अशोक का ताल्लुक है। यह मुंबई से 500 किलोमीटर दक्षिण में है। वे चिकित्सक बने और मुंबई में रहे। वे 60 दशक में यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। एक कैथलिक नर्स से विवाह किया। उनकी तीसरी संतान के रूप में लियो का जन्म हुआ। लियो जून 2017 में आयरलैंड के पीएम बने और अपने गांव में प्रधानमंत्री के तौर पर ही पहली बार आए हैं। यहां उनके गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गांव के देवी मंदिर पर पूजा की। यह पूरी तरह निजी यात्रा थी। पुलिस ने शनिवार को अंधेरी मरोल मेट्रो स्टेशन के पास होटल में छापेमारी की। डीसीपी शिवदीप लांडे ने बताया कि 20 से 21 साल की जिन दो महिलाओं को मुक्त कराया गया है उनमें एक विदेशी और दूसरी स्थानीय निवासी है। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार महिला दलाल की पहचान विलेपार्ले की रहने वाली सोनी उर्फ प्रभा मांडी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। संबंधी दिक्कतों के चलते मुलायम सिंह यादव को 26 दिसंबर को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिनों के बाद मुलायम सिंह यादव को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार को कई नेताओं ने मुलाकात की थी। कुछ महीने पहले पेट की समस्या के चलते लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराए गए थे मुलायम सिंह। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मलाड के आमदार असलम शेख ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से 36 नए विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा की आने वाली वेब सीरीज आश्रम में हिंदी बंगाली और तेलुगु फिल्मों के दमदार युवा कलाकार नजर आएंगे। निर्देशक प्रकाश झा इससे पहले अभिनेता बॉबी देओल को भी अपनी सीरीज में मुख्य किरदार के लिए साइन कर चुके हैं जो इस सीरीज में एक साधु के किरदार में दिखेंगे। दूसरे हाफ में सार्थक गोलई को दूसरी बार पीला कार्ड दिए जाने के बाद 10 खिलाड़ियों से खेल रही मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने रविवार को हीरो इंडियन सुपर लीग के 6वें सीजन में अपने घर मुंबई फुटबॉल अरीना में हैदराबाद फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर घर में अपनी पहली जीत दर्ज कर दी। मुंबई के लिए दोनों गोल मोदू सोगू ने किए। इस जीत ने मुंबई को 4थे स्थान पर पहुंचा दिया है। उसके अब 10 मैचों में 16 अंक हो गए हैं। मुंबई की एक लोकल ट्रेन के बाहर लटककर स्टंट करते समय एक युवक की खंभे से टकराकर मौत हो गई। इस घटना का वीडियो रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ट्रेन में लटककर स्टंट ना करें, यह गैरकानूनी एवं जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। मुंबई में 26 दिसंबर को दिलशान नाम का युवक ट्रेन के बाहर लटककर स्टंट करते हुए अपनी जान गंवा चुका है। अपनी सुरक्षा की अवहेलना करके ट्रेन के बाहर लटकना, चलती ट्रेन में चढ़ना हादसे को बुलावा हो सकता है। हिंदी सिनेमा से हॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द स्काई इज पिंक के बाद इसी फिल्म के सह निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर और अन्य आरसीवीसी के रॉनी स्कूवल और खुद प्रियंका के साथ फिर से एक नए प्रोजेक्ट के साथ वापस आ रही है। इस परियोजना पर पूरी चर्चाएं हो चुकी है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 20 दिसंबर को पाकिस्तान से संबंध एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ कर भारतीय नौसेना के 7 अधिकारियों और एक हवाला संचालक को गिरफ्तार किया। मुंबई कारवार और विशाखापट्टनम में नौसेना के इन 7 अधिकारियों द्वारा जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान को जानकारी देने पर भारत की संवेदनशील संपत्तियों के सुरक्षा तंत्र में कमी दिखी थी।
दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज चैनल। शाखा न्यूज 9 को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।